बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज मरियम के किचन की सीक्रेट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आज़ादी केक। तो आज मैंने इंडिपेंडेंस डे स्पेशल केक अपने घर पे तैयार किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो आज हम बनाएंगे स्पेशल आज़ादी केक, तो चलिए झटपट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हमें चाहिए एक कप आइसिंग शुगर और एक कप ऑयल यूज़ किया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। और मैंने लिए हैं 4 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे केक फ्लोर का। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में फॉलो करूँगी, जिसमें मैं 2 कप मैदे को छान लूँगी। और ये हमारा केक का स्पंज तैयार करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। तो केक फ्लोर तैयार करेंगे, और इससे पहले आपने जो हमारा बेकिंग पैन है उसको रेडी करके ग्रीस करके रखना है। और ये देखिए, 2 कप मैदा छान लिया है और मैं मेयर करके आपको दिखा रही हूँ। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, और इसी जो हमारे मेयरिंग स्पून है इसी में से मैं आपको दिखा रही हूँ। 1/2 टीस्पून में इसमें मेयर करके आपके सामने ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। मेयरमेंट का आपने ख्याल रखना है, और सारी चीज़ें मेयर करके अच्छे से आपने यूज़ करनी है। और आपका जो स्पंज है बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और सिर्फ मेयरमेंट का ही आपने ध्यान रखना है और टेम्परेचर का। और अब मैं केक फ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे मैदे में। और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है एग को बीट करने का। तो सबसे पहले एग जो है रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, और उसके अलावा हमने एग वाइट्स को बाउल में अलग करना है और एग योक्स को अलग कर लेना है। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पून से भी एग योक निकाल सकते हैं। आप जिससे आपको इजी लगे आप एग योक अलग कर लीजिए। और मैं एग वाइट्स को अच्छे से बीट करूँगी। एग वाइट को हमने बीट करना है 5 से 7 मिनट तक, और ये अच्छे से जो है फ्लफ़ी हो जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, हमारा एग वाइट्स जो है वो अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बन रही थी, तो उसी दौरान मैंने बीट करते हुए इसमें एग वाइट के साथ एग योक भी बीट कर लिए थे। और अब मैं इसमें 2 हिस्सों में तकसीम करके आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। उसको 2 से 3 मिनट तक बीट करना है, और अपने ग्रेजुअली ग्रेजुअली आइसिंग शुगर ऐड करनी है ताकि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और अंडा, जब हमने 4 अंडे बीट किए थे तो उनको हमने 5 से 7 मिनट तक बीट किया था, और शुगर ऐड करने के बाद फिर से मैं 3 से 4 मिनट तक बीट करूँगी। और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, और ऑयल ऐड करने के बाद फिर से हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे जैसे ऑयल हमारा बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। और उसी दौरान मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और फ्रेंड्स, अब मैं इस बैटर को मैंने दूसरे बाउल बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी केक फ्लोर। केक फ्लोर को भी आप 2 से 4 हिस्सों में तकसीम करके इसमें ऐड करेंगे मिक्सचर में, और आप इसको कट एंड फोल्ड के प्रोसीजर से लेके जाएंगे। यानी कि आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने राउंड स्पेक्ट लगा घुमाना है और इसको सेंटर से कट करना है। इसको कट एंड फोल्ड कहते हैं, और आपको इसी तरीके से कट एंड फोल्ड करना है। अगर आप इसको बीटर से बीट करेंगे या फिर इसको ज़्यादा विस्क से ज़्यादा मिक्स करेंगे तो बबल्स जो है वो बन जाते हैं, और एयर बबल्स की वजह से आपका स्पंज जो है बहुत बड़े बड़े होल्स का जो है शिकार हो जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा एक बैटर तैयार हुआ है। और इसी दौरान मैं इसमें बाकी जो फ्लोर है वो भी ऐड कर दूंगी, और उसको हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड करना है ताकि एयर बबल्स ना बने। और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे हमारे बेकिंग पैन में, जिसको मैंने पहले से ही ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर साइड पर रख दिया था। तो अब हम चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ, जिसमें हम अपना स्पंज बेक करेंगे। Thank you.
और फ्रेंड्स हमारा जो बैटर है वो रेडी है और ओवन को मैंने 30 मिनट के लिए प्रीहीट किया था 180 डिग्री पे। और अब मैं इसमें केक का जो बैटर है उसको ऐड कर रही हूँ और हम 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। और उसके बाद फिर से इसको 20 मिनट तक हमने बेक किया था, तो टोटल इसका बेकिंग टाइम है 40 मिनट 180 डिग्री पे। और चलिए देखते हैं क्या सूरत हाल है। और इस दौरान मैंने इसको 2-3 बार चेक किया था सेंटर से प्रिक करके, तो स्टिक जो थी वो साफ़ आई। तो अब मैं इसको डिमोल्ड करूँगी और थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको कूल डाउन करेंगे और फ्रिज में रखेंगे इसको आधे घंटे के लिए, और फिर से मिलते हैं हम इसकी फ्रॉस्टिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो केक है बिल्कुल ऊपर से ख़राब नहीं हुआ, और कभी कभी ड्राई हो जाते हैं केक और सेंटर से जो है ये बर्स्ट हो जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल इक्वल है और साइड से या नीचे से बिल्कुल नहीं जला। आप टेम्परेचर का और मेयरमेंट का ख्याल रखेंगे तो आपका भी इसी तरह से केक तैयार होगा। और इसको मैंने थोड़ा सा दो तीन मिनट तक उल्टा करके थोड़ा सा फ्लोर पे स्लेब पे जो था काउंटर पे रख दिया था, तो ये बिल्कुल इवनली लेवल हो गया। अब इसकी मैं टॉप रिमूव करूँगी इस तरह से, और इसकी जो टॉप रिमूव की थी उसको मैंने साइड्स पे एडजस्ट किया है डबल करके, ताकि जो हमारा फ्लेक की जो मेयरमेंट है वो लुक उसकी तैयार हो पाए, क्योंकि केक मैंने स्क्वायर शेप के मोल्ड में तैयार किया है। और अब मैं इसको ये वाले जो टॉप रिमूव किया था इसको मैंने 200 में कट किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है बता रही हूँ ताकि आपको सारा वीडियो में क्लियर नज़र आए। तो ये देखिए अब मैंने इस तरह से इसको एडजस्ट किया है। अब मैं इसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई करूँगी और उसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको स्पंज अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है, और अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग का जो है फाइनल स्टेप कर रही हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये केक अच्छा लगा होगा, और मेरा जो एफर्ट है जश्न आज़ादी के लिए मैंने अपनी फैमिली के लिए केक तैयार किया। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये केक, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह ताला आप सबको जहाँ रखे खुश रखे आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को सदा सलामत रखे और खुश रखे, और हमारी हम सब की सारी जायज़ मुरादें पूरी हों, और अल्लाह ताला इस आज़ादी के जश्न को मुबारक करे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दुश्मन से और हर किस्म की तकलीफ़ों से, वबाओं से, बीमारियों से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। और ये देखिए फाइनल लुक कैसी लग रही है मेरे केक की। और फ्रेंड्स देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा केक बना है, और जश्न आज़ादी का केक तैयार किया था मैंने, और उम्मीद है कि आप सब ने भी बहुत अच्छे से बनाया होगा आज़ादी का जश्न। और अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारे जश्न नसीब फरमाए आज़ादी के, और ताक़यामत ये मुल्क आज़ाद रहे, और बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे हमारे मुल्क पाकिस्तान को, और अल्लाह ताला हम सबको
एक साथ बरादराना जो है खुलूस के साथ और एक दूसरे का साथ मिलजुल के रहने की तौफीक अता करे, और अल्लाह ताला कश्मीर को भी आज़ादी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको बुरी बीमारियों और वबाओं से भी महफूज फरमाए। अल्लाह ताला नमाज की पाबंदी दे, और अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के परचम के साथ ज़िंदगी नसीब फरमाए, और हमारा पाकिस्तान का परचम हमेशा बुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। बनाएँ, खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ।